हम देश बचाने निकले अभी, क्योंकि जब तक मोदी एनआरसी वापस नहीं लेगा और सीए वापस नहीं लेगा ना, तब तक हम नहीं पढ़ेंगे। और अब चाहे मोदी हमारे सर क्यों ना पर, चाहे वो पुलिस बुला ले आज, तो हम लेके रहेंगे आजादी। आज एनआरसी वो वापस ही लेके रहेगा। क्या प्रॉब्लम है एनआरसी में? एनआरसी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो है ना हमारे को मारना चाह रहा है और सेंटर कैंप में रखना चाह रहा है। वो हमें कपड़े भी नहीं पहनने देगा ना हमें खाना देगा टाइम टाइम से, एक ही वक्त देगा वो भी, वो सुबह ही सुबह देगा, फिर जब तक खाना नहीं देगा जब तक एनआरसी वापस नहीं लेगा। इस खिलाफ हम यहाँ पे आए हैं तो खिलाफ लेके जाएंगे आजादी। और वो जब तक एनआरसी सीए वापस नहीं लेगा तो हम नहीं पे रहेंगे। और चाहे वो क्यों साइन अप कर दे, चाहे पुलिस भेज दे, पहले इतना मीडिया वाले आए थे उन्होंने भेजा था मोदी ने कि बोलने के लिए कि यहाँ से जगह खाली कर ले, तो हम यहाँ से जगह क्यों खाली करे, तो सब लोग ने मना कर दिया नाते लोग ने। अमित शाह भी टकला नहीं समझ रहा है, और अमित शाह सोच रहा है कि मैं मुसलमानों को मार दूंगा और मोदी को मार दूंगा, इस देश में अकेला रहूंगा, तो हम अकेले रहने नहीं देंगे, दोनों को मार के रहेंगे। अब वो जितना हम दो लोग दो लोग को सता रहे ना, मुसलमान को जितना सता रहे ना दोनों, उसका हम मार के ही रहेंगे आज, चाहे हमें जितना सता रहे ना उसे भी हम सता के रहेंगे।